हेलो एवरीवन वेलकम टू स्नेहा हिस्ट्री क्लासेस आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आज की ये जो वीडियो है ये है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दी हरप्पन सिविलाइजेशन इससे पहले जो मैंने वीडियो करी थी वो सोशल लाइफ के बारे में बताती है हरप्पन लोगों की और ये वीडियो बात करेगी उनके आर्थिक जीवन के बारे में जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये बहुत प्रोग्रेसिव सिविलाइजेशन थी इट वॉज़ एन अर्बन सिविलाइजेशन तो ऑटोमैटिकली तो उनकी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो भी काफी अच्छी होगी तो बहुत कुछ है जानने को चलिए शुरू करते हैं सो इकोनॉमिक लाइफ में सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स सो पहला पॉइंट इसमें आता है एग्रीकल्चर सो so, जो एग्रीकल्चर है आप इवन अभी भी देख लें तो जो हमारा कंट्री है इंडिया उसकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से एग्रीकल्चर आती है ठीक तो है, है तो हमारे ज्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है तो सिमिलरली आप देखेंगे इवन इन एंशंट पीरियड मिडीवल एंड मॉडर्न पीरियड भी आप देखेंगे कि ज्यादातर जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे तो सिमिलरली इस समय भी लोग खेती करते थे सो so, अब हम देखते हैं कि खेती Uh, में वो क्या uh, जो क्रॉप्स है वो कौन कौन सी ग्रो करते थे तो वो जिन uh, क्रॉप्स की खेती करते थे वो थे वीट बार्ले कॉटन इसके साथ साथ डेड्स कोकोनट्स बनानाज वॉटरमेल एट्सेट्रा तो आप देखेंगे कि वो वेजिटेबल्स भी ग्रो कर रहे हैं वो इसके साथ साथ फ्रूट्स भी ग्रो कर रहे हैं एंड इसके साथ साथ उनको प्लाओ आता था ठीक है प्लाउंग करना आता था और इसका हमें पता चलता है डिस्कवरीज के थ्रू तो एक डिस्कवरी हुई है कालीबंगन में जहाँ पे हमें एक प्लाउड फील्ड मिली है ठीक है एंड इसके साथ साथ टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाओ एट बनावली ये हमें बताती है कि इनको एग्रीकल्चर करना आता था आप जैसा कि ये जो पहला वीडियो है आप उसको देखेंगे सो इस पिक्चर में हमें पता लगता है कि हाउ दे आर ऑलरेडी ग्रोइंग टू क्रॉप एनुअली तो ऐसा माना जाता है जैसे हमारे दो तरीके की फसल है खेती में जो लोग जो किसान खेती करते हैं वो दो तरीके की फसलों की खेती करते हैं एक एक खरीफ के सीजन में वो खरीफ क्रॉप ग्रो करते हैं और राबी के सीजन में वो राबी क्रॉप ग्रो करते हैं तो इसी तरीके से माना जाता है कि ये जो हरप्पन लोग थे ये भी दो तरीके की क्रॉप्स को ग्रो करते थे एनुअली तो साल में दो सीजन में दो तरीके की क्रॉप्स ये ग्रो करते थे तो अब एग्रीकल्चर में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है इरिगेशन ठीक है तो इरिगेशन कैसा था अगर सिंचाई व्यवस्था अच्छी होगी तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा होगा एंड एक और चीज़ है वो एग्रीकल्चर करते क्यों थे क्योंकि जो फील्ड्स हैं ठीक है हमें पता है कि ये जो सिविलाइजेशन है वो सिंधु नदी के किनारे में बसी है तो सिंधु नदी की जो किनारे का जो लैंड uh, था इट वॉज़ वेरी फर्टाइल तो इसी वजह से ये ज़्यादातर खेती करते थे और इरीगेशन के लिए कोई हमें ऐस कोई एडवांस टेक्निक नहीं मिली है ठीक है बट ये हमें मालूम चलता है कि वाटर वेल्स होते थे वाटर कलेक्ट करते थे वो वेल्स के थ्रू और उससे इरिगेट करते थे स्मॉल स्केल पर और इसके साथ जो रिवर है उसके वाटर uh, चैनल्स uh, बनाते थे जिसके थ्रू जो पानी है वो खेत में आ जाता था तो ये उनका टेक्निक थी इरिगेशन की इसके साथ साथ हमें रेफरेंस मिलता है कि जो गवर्नमेंट है इट कंस्ट्रक्टेड लार्ज वेयर हाउसेज टू स्टोर फूड ग्रेन ये हमने सोशल लाइफ में पढ़ा था कि uh, जो Uh, सरकार थी उस समय पे अगर हम देखेंगे अभी खैर एग्जैक्टली exactly हमें नहीं पता है कि प्रीस्ट रूल करता था, किंग रूल करता करता था था किंग या गवर्नमेंट रूल करती थी बट यूनिफॉर्मिटी मिली है तो जिससे हमें पता लगता है कोई बॉडी डेफिनेटली थी जो रू मतलब इस सारी चीजों को रेगुलेट कर रही थी तो गवर्नमेंट के वेयर हाउसेस थे जैसे हमने ग्रेट ग्रेनरी पढ़ा है वेयर दे यूज टू स्टोर द ग्रेन तो इसका मतलब ये है कि खेती अच्छी होती थी प्रोडक्शन अच्छा होता था और उसको वो वेयर हाउसेस में स्टोर करते थे ठीक है तो पहला हो गया ये खेती के बारे में एग्रीकल्चर के बारे में अगला हम बात करते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स सो दे टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स तो एक तो मेन ऑक्यूपेशन हो गया एग्रीकल्चर दूसरा हो गया डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ठीक है तो और कौन कौन से एनिमल्स की उनकी नॉलेज उनको नॉलेज थी और कौन कौन से एनिमल्स को वो डोमेस्टिकेट करते थे ठीक है इसका एक्चुअली रेफरेंस हमें इसके थ्रू मिलता है ड्यूरिंग द एक्सकावेशन हमें बोन्स मिले हैं इन जानवरों के तो जिससे हमें पता लगता है कि इनको ये इन सारे जानवरों को डोमेस्टिकेट करते थे कई तो ब्यूरियल्स में आप देखेंगे कि बॉडी के साथ साथ उसका जो जो भी एनिमल को वो डोमेस्टिकेट करते थे उसको भी साथ में दफनाया गया है तो उनके भी बोन्स मिले हैं सो so, इस और इसके साथ साथ जो इमेजेस मिली हैं उसके थ्रू भी जैसे आप देखेंगे जो सेकेंड इमेज है इसमें देर आर मेनी एनिमल्स वहां पे इंसान भी है जानवर भी है तो इस सब से हमें पता लगता है उनको कौन से कौन कौन से जानवरों की नॉलेज थी सो दे द पीपल दे शिप गोट बुल कैमल पिग्स फोल्स एस एनिमल्स और इसके साथ साथ दे डोमेस्टिकेटेड और इसके साथ साथ दे हैड दॉलेज ऑफ सम लायन एलिफेंट एंड रॉनोसोर्स और इट्स हॉर्स वॉज क्वाइट फिमिलियर इन दड़पन सिविलाईजेशन की उनको घोड़े का भी माल उनकी जानकारी थी इसके बाद अगला आता है नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन एंड आर्ट एंड इंडस्ट्री ठीक है सो ये ऑक्युपेशन इज वन पॉइंट एंड द अदर इज आर्ट एंड इंडस्ट्री सो किस तरीके की ऑक्युपेशन देखो हमने जब हम सोशल लाइफ uh, के बारे में पढ़ते हैं तो कास्ट सिस्टम तो हमें नहीं इसका रेफरेंस मिलता है सिविलाइजेशन में बट हमें पता है कि जो सोसाइटी थी वो किसके बेसिस पे डिवाइडेड थी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन ठीक है जो इंसान जो कास्ट काम कर रहा है उसके हिसाब से ही खैर कास्ट का तो नहीं था बट इस तरीके से वॉरियर क्लास में प्रीस्टली क्लास में ठीक है जो जो लेबर uh, है उसमें जो सोसाइटी डिवाइडेड थी सो so, ऑक्यूपेशन कौन कौन से थे तो बड़ी सारी ऑक्यूपेशन दे सारे टू फॉलो एंड जैसे कि प्रीस्ट थे वॉरियर्स थे पेजेंट्स थे ट्रेडर्स आर्टिजन अब आर्टिजन कौन कौन से जैसे कि मेजन हो गए वीवर्स हो गए गोल्ड स्मिथ हो गया पॉटर हो गया एक्सेट्रा तो आप देख सकते हैं ये दो पिक्चर्स हैं। एक में ज्वेलरी दिखाई गई है तो ऑब्वियसली ये ज्वेलरी कहीं ना कहीं बनती होगी इसकी इंडस्ट्री होगी और जो लोग इसको ज्वेलरी मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे वो एक उनका अलग ऑक्यूपेशन है सिमिलरली आप देख सकते हो जो नेक्स्ट पिक्चर है उसमें पोट्री इज विजिबल सो पोट्री भी क्या है इसकी भी अगेन इंडस्ट्री होगी और उस आप देखोगे इस पोट्री के ऊपर कितनी ब्यूटिफुली जो कार्विंग है वो की गई है तो उनको उस चीज की भी नॉलेज थी उस चीज की भी डेफिनेटली इंडस्ट्री वॉज देयर इसके साथ साथ The प्रेजेंस ऑफ क्लास ऑफ वर्कमैन इज वर्कमैन क्वार्टर्स वर्कमेन द ग्रेनरी ये हमने देखा कि ग्रेनरी होती थी वेयर हाउसेस होते थे ठीक है जहां पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था और उसी के साथ में तो जिससे पता चलता है कि ये जो इन स्टोर्स में ग्रीनरी स्टोर्स में जो वर्कर्स काम करते थे वो भी वही साथ में उनके क्वार्टर्स मिले जहाँ वो रहते थे तो ये भी एक ऑक्यूपेशन है और इसके साथ साथ द वर्कशॉप तो लोथर so, में हमें अगेन जैसे की ग्रीन uh, जो स्टोर हाउसेज हैं ग्रीनरी स्टोर है उनके पास में जैसे क्वार्टर्स मिले हैं वैसे ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिनके साथ में जो है वो क्वार्टर्स या uh, इस तरीके के लोगों के रहने के लिए जो वर्कशॉप है और उनके हाउसेज वहां पे हमें नियर दी इंडस्ट्रीज हमें मिलते हैं तो इससे पता लगता है कि ये जो प्रोफेशन थे ठीक है इन सब ऑक्यूपेशन में ये लोग इन्वॉल्व थे इसके अलावा और ऑक्युपेशन जैसे हो गया हंटिंग हो गया फिशिंग हो गया ठीक है तो लोग अपने ऑब्वियसली अपनी लाइवलीहुड के लिए ये सारे ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे एंड इट इज ऑल्सो मैंशन की दे ट्रेडेड स्किन ऑल्सो की जब वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे ट्रेड होता था हरप्पन

ठीक है ये सब क्या थे? They were great industrial and training इसके साथ साथ कि उनको स्पिन करना आता था वीव करना आता था वीविंग उनकी नॉलेज थी उन लोगों को तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हमें ड्यूरिंग एक्सकवेशन मिले हैं तो उससे ही जो ये हिस्टोरियंस हैं या आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अंदाजा लगा रहे हैं कि वो उनको किस किस चीजों की नॉलेज थी तो उनको स्पिनिंग की नॉलेज थी वीविंग uh, की, डाइंग की कारपेंट्री पोट्री आइवरी वर्किंग ज्वेलरी एक्सेट्रा ठीक है इसके साथ-साथ इंडस्ट्रीज भी हमें मिली हैं उस समय पे, पिक्चर कि कितने ब्यूटिफुल ऑर्नामेंट्स कितनी सुंदर ज्वेलरी जो है इन लोगों ने बनाई है जस्ट Imagine, uh, like 2,000 years ago, like 2,000 तो तो आराम से से हजार, हजार साल पुरानी uh, ये है और इन इन लोगों को इतनी knowledge थी uh, इन सारी चीजों के बारे में। so, कितनी advanced थे। अब तो उनको कौन-कौन uh, जो मेटल्स हैं, जिसके थ्रू वो ऑर्नामेंट्स बनाते थे जैसे कि गोल्ड से बनाते थे तो देव नॉलेज ऑफ दिस मेटल गोल्ड देन सिल्वर ब्रॉन्ज एंड कॉपर सो आई वु एडर की इनको आयरन की नॉलेज नहीं थी बिकॉज इट वॉज अ चैल्कोलोथिक एज तो ब्रॉन्ज एज है तो उनको ब्रॉन्ज और कॉपर की नॉलेज है बट उनको आयरन की नॉलेज अभी नहीं है उनको लोहा नहीं पता था कि उसको उसके बारे में उनको ज्ञान ही नहीं था बेसिकली सो so, ये जो कुछ मेटल्स uh, इनसे ये ज्वेलरी बनाते थे इसके साथ साथ द अदर थिंग्स विच दे प्रोड्यूस बाय द आर्टिस्ट व्लेस्ड एंड पेंटेड पॉट्री तो आप देखेंगे जैसे ये पॉटरी में कितना सुंदर वो पेंट किया गया है तो इसकी नॉलेज थी इनको इसके बाद कॉम्स ऑफ बोन्स ठीक है वो कं शेल्स नाइफ तो ये पूरा एक्सकवेशन के दौरान जो भी हाउस होल्ड मटीरियल मिला है तो उससे हमें पता चलता है डेफिनेटली ये जो मटीरियल है ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसी इंडस्ट्री में बने होंगे ठीक जिसकी नॉलेज हमें इन सारी एक्सकवेशन की जो चीजें मिली है उससे मालूम चलता है इसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज uh, थी या लोग जो इन्वॉल्व थे डिफरेंट प्रोफेशंस में जैसे कि द पीपल वर्कड एज फिजिशियंस ठीक है एंड फिशर्स बोट मेकिंग वाज आल्सो वन ऑफ द क्राफ्ट ऑब्वियसली ट्रेड करते थे तो दो तरीके का ट्रेड होता था वो अभी हम आगे पढ़ेंगे लैंड के थ्रू सी के थ्रू तो जो सी के थ्रू ट्रेड होता था उसमें ऑब्वियसली दे रिक्वायर्ड शिप एंड बोट तो उसकी भी डेफिनेटली इंडस्ट्री होगी जहां पे वो सब बनता होगा सो so, नेक्स्ट आता है मूविंग ऑन

दो जो ट्रेड करते थे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते थे तो वो मेनली दो तरीके से करते थे एक थ्रू द सी रूट एंड थ्रू द लैंड रूट तो अब ये ना सिर्फ इंडिया के अंडर बट आउटसाइड इंडिया दे यूज टू तो ट्रेड ठीक है विद फॉरेन कंट्रीज आल्सो एंड इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स अब जो जहां से ये ट्रेड होता था वो कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे तभी हम इसको अर्बन सेंटर्स कहते हैं ठीक है अब वो कौन कौन से टाउन्स थे वो थे हरप्पा मोहनजदारो चाहुन दारो रोपर सुरकुत तदा, लोथल काली बंगन इसके अलावा ये इम्पोर्ट क्या करते थे तो देखो ट्रेड में दो चीजें होती हैं या तो आप इम्पोर्ट करते हो या आप एक्सपोर्ट करते हो अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो आपको इतना फायदा नहीं होगा तो जो भी डेवलप्ड कंट्री है जो भी मतलब इकोनॉमिकली I would like to share here, कि जैसे कि अगर इंडिया है सपोजली तो वो अगर वो चाइना के साथ इम्पोर्ट ज्यादा कर रहा है एक्सपोर्ट कम कर, कम कर रहा है तो वो ट्रेड डेफिसिट में तो हम नुकसान में है या तो इक्वल होना चाहिए अगर हम ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट तो डेफिनेटली हमें फायदा होगा सो इसी वजह से अब मैं बताना चाहूँ चाइना इतना पावरफुल है क्योंकि वो मैक्सिम जो कंट्रीज है उसमें सबसे ज्यादा वो एक्सपोर्ट कर रहा है ठीक है ना कि इम्पोर्ट कर रहा है चलो अब टॉपिक पे आते हैं सो so, इम्पोर्ट अब जो इंडिया था उस समय पे ये जो सिविलाइजेशन थी ये इम्पोर्ट क्या क्या करती थी सो दे टू इम्पोर्ट कॉपर माइका स्टोन फ्रॉम साउथ इंडिया इसके अलावा लेड एंड स्लेट फ्रॉम राजस्थान एंड गुड़गांव एंड कांगड़ा इसके अलावा देवदार जो वुड थी और शिला जी दे यूज टू इम्पोर्ट फ्रॉम कश्मीर तो इन ये इंटरनली ये जो ट्रेड हो रहा है वो इन एरिया से हो रहा है और इनसे वो ये जो कुछ आइटम्स है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं इसके साथ साथ जो असीरियंस है को ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली तो वो कौन कौन सी आइटम ये लाइक अब ये आउटसाइड ट्रेड की हम बात कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया तो वो ये लोग कौन से आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि कॉपर आइवरी पर्ल्स कॉटन क्लोथ मंकी एटसेट्रा एंड ठीक है इसके साथ साथ फ्रॉम इंडिया वाइल द इंडियंस ऑप्टेंट शेल्ट फ्रॉम पर्सियन गल्फ तो आप देखेंगे पैरल सिविलाइजेशन बहुत सारी है तो उनसे वो कुछ आइटम इम्पोर्ट कर रहे हैं कुछ आइटम्स उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दे ट्रेडेड विद अफगानिस्तान ईरान इजिप्त इसके अलावा अब हमने बात करते ट्रेड रूट के बारे में तो हमने बात करी दो तरीके के ट्रेड रूट होते थे एक तो वो लैंड के थ्रू ट्रेड करते थे और दूसरा सी के थ्रू सो so, इसके लिए वो कौन कौन से मीनस ऑफ कम्युनिकेशन जो वो यूज करते थे सो so, बोट्स यूज करते थे रिवर में ठीक है जो रिवर इंडस्ट है और उसकी जो ट्रिब्यूट्रीज है उसमें वो बोट्स का यूज करते थे इसके अलावा लैंड पे दूस टू यूज, यूज बुल लॉक चैरियज एंड स्मॉल शिप सेल्स फ्रॉम द फेमस एंड बिजिए एंड सुदेंदोर तो अगर उनको बाहर ट्रेड करना है बाहर की कंट्रीज के साथ तो वो उसके लिए शिप का यूज करते थे ठीक है इसके बाद नेक्स्ट आता है वेट्स एंड मेजर्स ठीक है अब वेट्स एंड मेजर आपको पता है कि आप कभी भी कोई चीज लेने जाते तो वो आप उसको वेट कराते हैं मेजर कराते हैं एंड उसके बेसिस पे ही आप लाइक वन के जी फिर ऑफरिंग इफ यू वॉन्ट टू के तो उसके लिए वेट्स एंड मेजर्स का हम यूज करते हैं तो ये कुछ पिक्चर में मैंने बार्स शो किए हैं। तो ये जो ये बार्स है वो यूज करते थे फॉर मेजरमेंट एंड फॉर वेटिंग सो सो so, जो इंडस वैली पीपल थे सो दे यूज़ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर सिस्टम फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रेड तो आपको मालूम है इसके अलावा वो सील्स का भी यूज कर, करते थे ये मैंने इस पिक्चर में दिखाया है ये जो सील्स है ये हमें उस समय एक्सकवेशन पे मिली है इसका भी ये जो इस्तेमाल करते थे आ, क्या बोलते हैं कि जो भी प्रोडक्ट को लेने के लिए कहीं जाने के लिए तो इस तरीके के ये लो चीजें यूज करते थे so, जो वेट्स थे, तो दोनों तरीके का आपको छोटे से छोटा भी वेट या मेजर मिलेगा आपको बड़ा भी मिलेगा जो कि रोप से लिफ्ट किया जाता था ठीक है और जूलर्स बिकॉज वो बहुत हल्के लाइक स्मॉल वेट्स दे यूज तो वहां पे भी आप इसका यूज देख सकते हैं एंड अब ये जो वेट्स हैं, ये किससे बने होते थे ये बने होते थे स्टोन से जैसा कि आप पिक्चर में, में भी देख सकते हो ये सब से बने? से. जो ग्राम, और वो 640 से वेट. तो हेवी वेट भी आपको मिलेंगे और बहुत हल्के वेट्स भी मिलेंगे जो कि यूज किए जाते थे इस मेजरिंग प्रोसेस के लिए और इसके अलावा मेजरिंग रॉड्स ऑफ ब्रॉन्ज मतलब भारी बारी जो रॉड्स होती थी ब्रॉन्ज की बनी हुई और शेल तो ये सारी चीजें यूज की जाती थी और ये हमें मिली है हरप्पा और मोहन में ठीक है इसके बाद

सामने वाला है उसको चाहिए अह वीट चाहिए और अह तो क्या होगा हम दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे वो मुझे वीट दे देगा मैं उसको राइस दे दूंगी ठीक है वो केजीज के हिसाब से लाइक वन केजी जो क्योंकि वेट्स एंड मेजर्स की दे ऑलरेडी हैव नॉलेज तो उसके थ्रू वो Uh, जो है इस तरीके से एक्सचेंज करते थे कमोडिटी का सो देर वॉज नो करेंसी हमें कोई रेफरेंस नहीं मिला है एक्सकवेशन में भी हमें किसी तरीके के कोई कॉइन्स uh, नहीं मिले हैं तो जिससे हमें मालूम चलता है कि वो किसके थ्रू ट्रेड करते थे बाटर सिस्टम के थ्रू इसके अलावा अब नेक्स्ट आता है यूज ऑफ मेटल्स तो कि कौन कौन सी जो धातुएं थी जिनका उनको ज्ञान था तो ऑब्वियसली जो मैंने पहले बोला चैलकोलोथिक एज है तो डेफिनेटली क्रॉपर या ब्रॉन्ज का उनको नॉलेज है बट आयरन आई विल अगेन रिपीट आयरन की नॉलेज इनको नहीं थी ये जब हम आय आते हैं जब हम पढ़ते हैं ऋग वैदिक या लेटर वैदिक जो इसके बाद में वीडियोज बनाऊंगी वो इन दोनों पे होगी बिकॉज अगेन आई एम कवरिंग द बी ए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सिलेबस तो अकॉर्डिंगली आई विल मेक वीडियो तो इसमें हम जैसे हमें

है वो काफी डेवलप्ड सिविलाइजेशन है और ओवरऑल देखे तो uh, जो लिविंग स्टैंडर्ड था लोगों का वो अच्छा था एंड इट वाज ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर सो इसके साथ ही आई थिंक दिस आई एम डन विद दिस वीडियो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज स्टिक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड हैव अ नाइस डे एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू